दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M14 5G स्मार्टफोन को Realme 10 Pro 5G स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि सैमसंग के अंदर हमें 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस PLS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ Realme के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है, लेकिन रिफ्रेश रेट के मामले में ना भाई सैमसंग वालों ने पैसे बचाए हैं क्योंकि सिर्फ 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट दिया है यार। एटलीस्ट ये भी ना 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट तो दे ही सकते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो सैमसंग का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि One UI 5.1 कोर पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Realme का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि Realme UI 4.0 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं क्योंकि दोनों फोन हमें भाई आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में मिल रहे हैं, अच्छी बात है। चिपसेट की अगर हम बात करें तो सैमसंग के अंदर हमें Exynos 1335G चिपसेट दिया गया जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Realme के अंदर हमें Snapdragon 695 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों दोनों चिपसेट यहां पर भाई डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया हैं। साथ ही दोनों फोन्स का एंटूटू स्कोर भी आता है 4,05,000 के करीब। और अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले कोई बाय करना चाहते हैं ना तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों बैक कैमरा सेटअप की। तो सैमसंग के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ रियलमी के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे सैमसंग की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, और जो डेप्थ कैमरा है वो भी है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ रियलमी फोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का, पोर्ट्रेट कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों रियलमी फोन का जो मेन कैमरा है ना भाई 108 मेगापिक्सल का, वो तो काफी अच्छी फोटोज और वीडियोज आपकी क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार इन दोनों फोन में जो हमें 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ, 2 का पोर्ट्रेट कैमरा दिया ना भाई, सिर्फ और सिर्फ यूजलेस कैमरा, इनका कोई फायदा नहीं है। इनकी जगह पर अगर हमें दोनों फोन के अंदर भाई अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता ना यार तो ज्यादा बढ़िया रहता, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में उन्होंने अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया, ये सच्चाई है। और फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो सैमसंग के फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ रियलमी के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। दोस्तों सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो सैमसंग का फोन भाई 6000mAh की बहुत बड़ी बैटरी के साथ में आता है जो कि सिर्फ 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ रियलमी फोन के अंदर हमें 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। डिसीजन दोस्तों आपको लेना है कि आपको बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन लेना है या फिर ज्यादा फास्ट चार्जिंग वाला। और यार एक कमाल की बात बताऊं, सैमसंग बेशक 25 वाट का सपोर्ट दे रहा है लेकिन मोबाइल बॉक्स के अंदर आपको चार्जर भी नहीं मिल रहा है यार, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन यहां पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं जिसमें सैमसंग का फोन 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ रियलमी का फोन 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। वैसे तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी वाले हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यार जो सैमसंग के अंदर हमें ज्यादा बैंड्स दिए गए हैं ना उतना ही ज्यादा मजा आएगा आपको 5G चलाने में। और दोस्तों बात करें अगर हम 3.5mm जैक की तो हमें दोनों फोन्स के अंदर दिया गया है, लेकिन यार स्पीकर हमें सैमसंग के अंदर सिर्फ सिंगल स्पीकर ही दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ रियलमी के अंदर हमें स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों दोनों फोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि सैमसंग फोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 15,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ रियलमी फोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 19,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए यार अगर आप एक सैमसंग लवर हैं और सैमसंग का ही एकदम बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए ना भाई, डेफिनेटली आप यहां पर सैमसंग की तरफ जरूर से जा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों रियलमी फोन अगर आपको रियलमी की ब्रांडिंग के हिसाब से लेना है तब आप ले सकते हो, अदरवाइज भाई मेरा ओपिनियन ये है कि आपको इस प्राइस पे ना IQ Z7 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए भाई, सारे सेगमेंट्स में ना वो वाला स्मार्टफोन एकदम टॉप ऑफ द लाइन है। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।